हेलो फ्रेंड्स, 29 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, डर्टी वॉर हैज टू बी फॉट विद इनोवेटिव वेज, सेज जनरल बिपिन रावत। सो ये आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो एक डर्टी वॉर है। डर्टी वॉर मीन्स अ प्रॉक्सी वॉर, डायरेक्टली बैटल नहीं हो रही है, फेस टू फेस वॉर नहीं हो रही है, तो ये एक डर्टी वॉर है और इसके लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफिकल्ट होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एडवर्सरी जो है, तो पॉपुलेशन है यहाँ कश्मीर का, वो स्टोन पेल्टिंग करता है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए इनोवेटिव वेज चाहिए, नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और ये एक्चुअली स्टेटमेंट आ रहे हैं टू जस्टिफाई द एक्शन, वो जस्टिफाई कर रहे हैं जो मेजर लीतुल गोगोई ने किया। तो मेजर लीतुल गोगोई ये न्यूज में थे, ही हैड यूज्ड अ ह्यूमन शील्ड, तो एक ह्यूमन है, हिज नेम इज फारूक दर, तो इनको जीप पे टाई किया गया था और वो क्लेम करते कि वो मिलिटेंट भी नहीं थे, स्टोन थ्रोवर भी नहीं थे। तो यहाँ पे जब बाय इलेक्शन चल रहे थे तो बोले वो वोट करने के लिए गए थे और वोटिंग करके आ रहे थे, तो वो उनको यहाँ पे जीप पे टाई किया गया, उनके गले में लटकाया गया वार्निंग के स्टोन पेल्टर्स के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, और उनको परेड किया गया जीप से। तो ये जो एक्शन लिया गया, इसकी वीडियो थी जो वायरल गई थी, इसकी वजह से अब इनके अगेंस्ट, मेजर लीतुल गोगोई के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नो ये इन्वेस्टिगेट भी कर रही है इस इंसिडेंट को। और उसी बीच में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इनको कमेंडेशन मेडल दिया है, तो इनका अप्रिसिएशन करते हुए मेडल दिया गया, जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था। तो इस एक्शन को भी अब जस्टिफाई किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में फंक्शन कर रहे हैं, तो ये यंग ऑफिसर्स का मोरल बूस्ट करना भी जरूरी है, इसीलिए एक्शन लिया गया। तो वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे अगर स्टोन थ्रोइंग नहीं करते और वेपन्स हम पे फायर करते तो हम बहुत खुश होते, क्योंकि तब हम इनको सही सबक सिखा पाते। तो ये स्टेटमेंट आ रहा है आर्मी चीफ से, तो वही है। तो ये एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो है ही, इनको मिस्टर फारूक दर को यहाँ पे फिजिकल मेंटल ट्रॉमा हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और इसको भी जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि आर्मी का फियर होना चाहिए लोगों के दिल में, कि आर्मी से लोग डरे, आर्मी से सिर्फ दुश्मन नहीं डरने चाहिए पर खुद के लोग भी डरने चाहिए, क्योंकि आर्मी को यूज किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए भी, और अगर लोग उनसे नहीं डरेगी तो वो एक्शन नहीं ले पाएगी। तो इस तरह से आर्मी का खौफ भी वो जस्टिफाई कर रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है, नो रिपोर्ट येट ऑन कानपुर डिरेलमेंट। तो ये है इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, तो ये जो ट्रेन थी पटना जा रही थी, ये ट्रेन के 14 कोचेस डिरेल हुए थे इन नवंबर 2016। तो इस टाइम पे अराउंड 150 लोगों की डेथ हो गई, अराउंड 183 इंजर्ड थे। तो इस इंसिडेंट के ऊपर कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को इंक्वायरी करनी होती है, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये नॉर्म है। तो अगर रेल इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तो उसके ऊपर कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी इनको इन्वेस्टिगेट करती है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उनको सबमिट करना होता है एक महीने के अंदर, और इसको इवन पब्लिक में रिपोर्ट लाना होता है। तो ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एक पॉइंट ये भी है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए इसको अलग मिनिस्ट्री में रखा गया। तो ये जो बॉडी है इसने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं की है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इस रेल इंसिडेंट के बाद रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था कि इस केस में साबोटाज का भी चांसेस काफी ज्यादा है। साबोटाज मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था पर ये पर्पसली यहाँ पे ये डिरेलमेंट करवाया गया, तो इसीलिए उनके रिक्वेस्ट पे ये केस को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया गया, ताकि वो ये साबोटाज एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके। तो NIA से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कह रही है कि क्योंकि NIA के पास केस है तो वो कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं, इवन IIT एक्सपर्ट्स यहाँ इन्वॉल्व है, और NIA कहती है क्योंकि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी और NIIT टीम एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट नहीं आया है तो हम कैसे करें। तो वही यहाँ पे डेडलॉक में ही अटका हुआ है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जब ये इनिशियल इंक्वायरी की थी तब उन्होंने कहा था कि इसका रीजन, ये एक्सीडेंट का रीजन कैरेज एंड वैगन डिफेक्ट है, तो ये प्राइम रीजन तब बताया गया था, पर उसके बाद ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, और इवन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, और ऑलरेडी अब 6 महीने हो गए पर कुछ सामने नहीं आया है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, पोक्कली ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये पोक्कली एक राइस वैरायटी है, यूनिक सलाइन टॉलरेंट मतलब सॉल्ट टॉलरेंट राइस वैरायटी है, जो वाटर लॉग्ड कोस्टल रीजन्स में ग्रो होती है इन केरला। तो यहाँ पे इसको GI टैग भी दिया गया, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग इंडिया में। और ये राइस कल्टिवेट किया जाता है फ्रॉम जून टू नवम्बर, तो तब सैलिनिटी लेवल्स यहाँ लो होते हैं, और फिर जब
राइस हार्वेस्ट हो जाता है तो मिड नवंबर से मिड अप्रैल तक यहाँ पे प्रॉन फार्मिंग की जाती है। तो क्योंकि ये कोस्टल रीजन्स में है तो यहाँ पे सी और बैक वाटर्स भी यहाँ पे पानी अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पे स्लूज गेट्स होते हैं जिससे वाटर कंट्रोल किया जाता है फील्ड्स में, और राइस फील्ड्स में यहाँ पे वाटर लाया जाता है, अलाउ किया जाता है एंटर होने के लिए। और इसमें फिर प्रॉन की सीडलिंग्स भी आ जाती है फ्रॉम सी एंड बैक वाटर्स, ये प्रॉन सीडलिंग्स यहाँ पे ग्रो होती है। वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है राइस क्रॉप, उसके जो लेफ्ट ओवर्स है उसके ऊपर वो फीड करते हैं, और ये प्रॉन सीडलिंग्स के ही जो जो एक्सक्रीमेंट है जो वो बाहर मतलब तो उनका वेस्ट है और जो उनके रेमनेंट्स रहते हैं उसको ही फर्टिलाइजर की तरह फिर राइस क्रॉप बाद में यूज करते हैं। तो वही है कि दोनों चीज यहाँ की जाती है, प्रॉन फार्मिंग भी और राइस क्रॉप भी, और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर मैन्यूअल लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी जो प्रॉन एक्सक्रीमेंट रिमेन्स है वही यहाँ पे फर्टिलाइजर की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये पक्केली राइस का एक पिक्यूलर टेस्ट भी होता है और हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसलिए काफी फेमस है, और ये इसके ग्रेन्स भी एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, और यहाँ पे फार्मर्स क्लेम करते हैं इसके काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इवन यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने इसकी पूरी डीएनए लाइब्रेरी डेवलप की है पक्कली राइस की। तो ये एक राइस वैरायटी है। तो और भी न्यूज आइटम्स आए हैं कि यहाँ पे रीजन्स पक्कली राइस रीजन कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में है, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे जो रीजन डेवलप किया जा रहा है तो उस वजह से राइस कल्टिवेशन रीजन कम हो रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, लेक फ्रॉथिंग गोज फ्रॉम बैड टू वर्स। तो ये लेक्स में फ्रॉथिंग हो रहा है, तो ये बेलंदूर लेक बेंगलुरु में काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है। इस लेक में इवन फायर लग गया था। तो ये फ्रॉथिंग क्या होता है, जैसे आप जब कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट से, केमिकल्स होते हैं उसमें, तो उस वजह से यहाँ पे जो फेस होती है तो उसको फ्रॉथिंग कहते हैं, ये फेस को। तो ये पूरा लेक फ्रॉथिंग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लेक्स में सीवेज वाटर डाला जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, तो ये सारे केमिकल्स जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं, इस वजह से यहाँ फ्रॉथिंग होती है। और ये फ्रॉथिंग काफी न्यूज में थी, यहाँ पे फायर भी लग गया था क्योंकि ये केमिकल्स है, तो यहाँ फायर भी हो गया था इस फ्रॉथिंग की वजह से, लेक में फायर, वो न्यूज में प्रोमिनेंटली था। प्लस अब देखा जा रहा है कि रेन्स की वजह से ये फ्रॉथिंग कंडीशन और एडवर्स हो गई है, और ज्यादा बढ़ गई है, तो ये फ्रॉथिंग काफी इंक्रीज हुआ है। प्लस ये फ्रॉथिंग इवन रोड पे आ जाता है और यहाँ पे उस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, इवन विंड्स इसको कैरी करके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी पहुंचते हैं, यहाँ पे फील्ड्स में भी पहुंच जाते हैं ये फ्रॉथिंग। तो ये एक ह्यूज कंसर्न हो गया है अब। तो जब ये इंसिडेंट्स भी हुए थे तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड ने यहाँ पे ये स्विफन सिस्टम्स लगाए थे, मतलब ये वायर मैश जो ये आप देखते, तो इस वजह से जो फ्रॉथ है वो बाहर ना जा सके, पर ये भी फंक्शन नहीं कर रहे। अभी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि पूरा फ्रॉथ जो है रोड्स पे और विंड्स के थ्रू ये कैरी हो रहा है, और ये सिर्फ एक लेक नहीं, चार लेक्स मेंशन है जहाँ पे ये कंसर्न है, वर्थुर लेक, बेलंदूर लेक, इवन हुवीनेन और सुब्रमण्यपुरा लेक्स, ये रीजन में यहाँ पे ये केस आ रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, गांधीज मोटिव्स टू गो ऑफ कैंपेन्स। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे जो महात्मा गांधी के इमेजेस, फोटोग्राफ्स, स्केचेस, इवन प्रिंटेड मटेरियल जो है, सिंबल्स, आर्टिकल्स जो यूज किए जाते हैं जो महात्मा गांधी से लिंक्ड है, जो स्वच्छ भारत मिशन में यूज किए जाते हैं, तो स्वच्छ भारत जैसे ये महात्मा गांधी के ऐनक है, तो ये जो यूज किए जाते हैं इसको अब अलाव नहीं किया जाएगा, इसको नहीं यूज करना चाहिए, स्पेशली ऑन पब्लिक टॉयलेट्स, यूरिनल्स और डस्टबिन। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सबने सेपरेट ऑर्डर्स दिए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, अथॉरिटीज, मिशन अथॉरिटीज सबको, ताकि ये एक्शन लिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये मार्च 2017 में वर्डिक्ट दिया था, उनके सामने पिटीशन आया था कि ये जो लोगो यूज किए जाते हैं महात्मा गांधी के, तो ये फादर ऑफ द नेशन के लिए डिसरिस्पेक्ट है कि पब्लिक टॉयलेट्स, यूरिनल्स पे ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए अब ये ऑर्डर दिया गया। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2014 ऑन महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। तो ये उस दिन ये लॉन्च इसलिए किया गया था कि यहाँ पे अब ओपन डिफिकेशन फ्री करना है हमको इंडिया को बाय 2019। तो ये टारगेट से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये एक सपना भी था प्राइम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का, टू हैव अ क्लीन इंडिया, ओपन डिफिकेशन फ्री, ताकि टॉयलेट्स हो, टॉयलेट्स में ही यहाँ पे डिफिकेशन किया जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है, इसरो सेट टू लॉन्च हेवीएस्ट रॉकेट। तो ये है जीएसएलवी MK3, जीएसएलवी Mk3, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इसरो ने इसको डेवलप किया है, और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है अब 8 टन
एक टन मतलब 1000 केजी, मतलब 1000 केजी की सैटेलाइट भी वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकती है। तो इसका मेडन टेस्ट फ्लाइट होने वाला है अब। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा मेडन फ्लाइट में, तो फिर बाद में हम इससे इवन क्रू मेंबर्स, इंडियंस भी कैरी, एस्ट्रोनॉट्स भी कैरी कर सकते हैं इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो देन इंडिया विल बिकम द फोर्थ नेशन। अब तक सिर्फ 3 कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है कि वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कर सके, तो ये इंडिया फोर्थ कंट्री बनेगा आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना प्रेजेंटली। तो वो है, इसके लिए इवन $4 बिलियन का गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए ताकि ये प्रोग्राम ह्यूमन क्रू स्पेस में हॉइस्ट करने का प्रोग्राम इसरो कर सके। फिर अगला है, मोदी इन बर्लिन टुडे सेज न्यू चैप्टर इन टाइस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बर्लिन जर्मनी में है, ये 6 डे फोर नेशन टूर पे है। जर्मनी से फिर स्पेन, रशिया और फ्रांस भी जाएंगे, और ये चारों नेशंस एनएसजी के मेंबर्स है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स के मेंबर है। और ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं अक्वायर करना। अभी फिर से जून 2017 में एनएसजी मीटिंग होगी जिसमें फिर से इंडिया की मेंबरशिप एप्लीकेशन ली जाएगी, तो उस पॉइंट से भी ये विजिट अब सिग्निफिकेंट है। प्लस इवन जर्मनी में जो 2 मेजर इश्यूज पे टॉक्स है वो है एक ट्रेड रिलेटेड और इवन विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो तो इंडिया और जर्मनी भी कॉपरेट कर रहे हैं कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स वो ला सके इन विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी डेवलपमेंट इन अफ्रीका और इंडियन ओशन रीजन, तो ये भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, जर्मनी चाहती है कि ईयू इंडिया बीटीआईए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जल्द से जल्द कंक्लूड हो। काफी टाइम से निगोसिएशंस चल रहे हैं और लास्ट 4 ईयर से ये सस्पेंडेड है निगोसिएशंस क्योंकि डेडलॉक्स है टॉक्स में, कंसेंसस नहीं आ रहा है। तो वो चाहते ये कंप्लीट हो जल्द से जल्द क्योंकि इवन जर्मनी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन ईयू, यूरोपियन यूनियन, तो वो भी पॉइंट है। प्लस और एक पॉइंट रखी जा रही है वो ये है कि एटलीस्ट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज किया जा सके, क्योंकि ईयू इंडिया ट्रीटी को तो टाइम लगेगा निगोसिएशंस में, पर जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी वो भी लैप्स हो गई है मार्च 2017 में। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल BIT बनाया है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में क्या प्रोविजंस होने चाहिए, तो हम सारे ट्रीटीज अब लैप्स होने दे रहे ताकि हम उनको रीनिगोशिएट करें और फाइनलाइज करें। तो अब इंडिया जर्मनी के साथ भी कैसे होगा वो पॉइंट रेस किया जा रहा है। जर्मनी कह रही है कि अगर ये नहीं आ पाएगा, फाइनलाइज नहीं हो पाएगा जल्द से जल्द, तो जो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे उनको उनको वो प्लान्स को शेल्फ करना पड़ेगा, मतलब उनको स्टॉप करना पड़ेगा वो प्लान्स। तो इसीलिए वो कंसर्न रेज कर रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्रीटी जल्द से जल्द फाइनलाइज हो। और मॉडल BIT में जो एक पॉइंट हम चाहते हैं मेजरली इंक्लूड करना वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो जो है हमको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ड्रैग ना करे, पहले वो लोकल जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम ट्रिब्यूनल्स के सामने जो भी केसेस है जहाँ पे वो फाइनलाइज हो सकते नहीं, आर्बिट्रेशन हो सकता है वो हो, फिर वो एग्जॉस्ट होने के बाद, वो सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट होने के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो। तो वो प्रोविजन हम स्पेसिफिकली डालना चाहते जो ऑफकोर्स दूसरे नेशंस को एक्सेप्टेबल नहीं होगे, तो वो एक मेन डेडलॉक है। तो देखेंगे इस पे निगोशिएशंस कैसे होते हैं और क्या फाइनलाइज होता है। और एक पॉइंट ये है कि सारे मेंबर्स फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे इन जुलाई 2017, तो तब G20 समिट है हैमबर्ग में। फिर अगला है स्ट्रेटेजिक टाइज विथ फॉरेन OEMs। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हमने डिस्कस किया मई मंथ में भी, और कई बार हमने मैंने कहा है कि ये काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में कई बार आने वाला है, तो अभी भी ये न्यूज में है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अप्रूव किया गया है, ये मॉडल है अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब इंडियन प्राइवेट सेक्टर एंटिटी सिलेक्ट किए जाएंगे जो फॉरेन OEMs, फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील करेंगे ताकि वो जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर सके। तो इसके लिए मतलब ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस बूस्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया। तो 4 एरिया सिलेक्ट किए गए हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे, गवर्नमेंट उसको अभी डिसाइड करेगी, प्लस फॉरेन OEMs भी सिलेक्ट किए जाएंगे और फिर इनके साथ डील्स होंगे। तो ये 4 एरियाज जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं वो है, फर्स्ट इज सबमरीन रिलेटेड, तो 6 सबमरीन डेवलप होने अंडर प्रोजेक्ट 75I, इवन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए 100+, वो एक सेकेंड प्रोजेक्ट है। थर्ड है आर्मर्ड व्हीकल्स, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल प्रोग्राम जो है उसके लिए डेवलपमेंट होगा। एंड फाइनली जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फॉर द नेवी, नेवी के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स के लिए अब प्राइवेट सेक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे।
पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, वो एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, जिसपे गवर्नमेंट कह रही है कि डिफेंस पीएसयूज कह रहे हैं कि उनकी ऑर्डर बुक्स फुल है, उनके पास और कैपेसिटी नहीं है, वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो और नए प्रोजेक्ट्स वो नहीं हैंडल कर सकते. तो ये कहा जा रहा है ओनली पीएसयू जो पार्टिसिपेट करेगी वो है मजगांव डॉक्स लिमिटेड, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन बना रही है, तो ये सबमरीन के लिए वो एक कंटेंडर होगी. तो ये है चार प्लेटफॉर्म्स जिसके लिए डेवलपमेंट होने हैं, और ये कंटेंडर्स जो प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक पीएसयू जो यहाँ पे कंटेंडर्स, तो इनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल. फिर अगला न्यूज आइटम है कैटल ट्रेड रूल्स गो अगेंस्ट 1960 लॉ. तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक मार्केट्स रूल्स जो 2017 के जो हमने कल डिस्कस किया न्यूज में उसके बारे में है. तो ये रूल्स बनाए गए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960. तो जो रूल्स है वो एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो पॉइंट रखी जा रही है. तो रूल्स के अंदर स्लॉदरिंग फॉर मीट अलाउ नहीं किया जा रहा है, कैटल सेल नहीं कर सकते आप स्लॉदरिंग के लिए, इवन सेक्रीफाइसेस के लिए स्लॉदर नहीं किया जा सकता, सिर्फ फार्मिंग के लिए कैटल को यूज करना है. तो ये जो पॉइंट है इससे हम रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं ऑन दिस ऑक्यूपेशन ऑफ स्लॉदरिंग. इवन जो एनिमल्स मर जाते हैं तो वो डाइंग एनिमल्स का भी कारकस सेल नहीं किया जा सकता, अगर एनिमल नेचुरल कॉजेस से भी मर जाती है तो कारकस को भी जलाना चाहिए, उसको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारकस से लेदर बनता है, तो वो भी अलाउ नहीं किया जा रहा है. तो ये जो प्रोविजंस है ये क्या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं वो भी चेक करना होगा. तो फंडामेंटल राइट टू ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस है जो आर्टिकल 19(1)(g) में अलाउड है, प्रोवाइड किया गया है, और रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए. तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं ये चेक करना होगा. प्लस जो और एक पॉइंट रखी जा रही है वो ये है कि एक्ट के अंदर 1960 जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स उसके अंदर स्लॉदरिंग अलाउड है, क्योंकि उसमें जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, उनको उनका फंक्शन है कि वो एडवाइस करे गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को, कि स्लॉदर हाउसेस कैसे डिजाइन करने, कैसे मेंटेन करने. तो ऑफकोर्स स्लॉदरिंग इज अलाउड. प्लस स्पेसिफिकली एक्ट में मैंशन है कि स्लॉदरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इज नॉट क्रुएल्टी, एंड ऑल्सो एनिमल्स सेक्रीफाइस नहीं किए जा सकते नो रिलीजियस पर्पजेस के लिए, वो भी एक प्रोविजन जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की थी कि ये भी ऐसे कहीं एक्ट में नहीं लिखा कि ये अलाउ नहीं कर सकते, तो वही रूलिंग भी है. तो अब वही है कि क्या ये जो फिर अगर एनिमल्स को फूड के लिए यूज किया जा रहा है तो वह एक एक्सेप्शन दिया गया है अंडर द एक्ट. तो ये अगर अननेसेसरी पेन और सफरिंग नहीं दे रहे एनिमल्स को तो ये एग्जेम्पशन है कि आप एनिमल को फूड की तरह यूज कर सकते हैं. तो वही है, तो अगर एक्ट अलाव कर रहा है तो जो रूल्स बनाए गए एक्ट के अंदर वो कैसे डिसअलाव कर सकते हैं. तो ये भी जुडिशियल रूलिंग्स कई बार हुए हैं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि रूल मेकिंग पावर जो है वो एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो इनकंसिस्टेंट भी नहीं हो सकता और एक्ट के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता. तो इसीलिए यहाँ पे ये रूल्स परमिसिबल है या नहीं वो एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है. फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर्स एक्सपेंडिचर राइजेज आफ्टर न्यू फेब 1 बजट डेट. तो बजट 2017 प्रीपोन किया गया था, जनरली बजट एंड ऑफ फेब्रुवरी में लाया जाता है, पर इस बार बजट अनाउंस किया गया था ऑन 1st of Feb. तो ये जो बजट प्रीपोन किया गया था उस वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हुआ है अप्रैल और मई मंथ में, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है. तो यहाँ पे मतलब डिस्पर्सल ऑफ फंड्स जो होता है वेरियस सेक्टर्स के लिए वो इजी हो गया, क्योंकि जनरली जब बजट लेट होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो डिस्पर्सल किया जाता है वो लेट हो जाता है, और उसमें फिर जब मानसून आ जाता है तो उस वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और काफी प्रोजेक्ट्स फिर पिकअप नहीं किए जा सकते, वो पिकअप नहीं किए जा सकते, तो उस वजह से प्रोजेक्ट्स और डिले हो जाते हैं और मानसून के बाद ही फिर फंड्स यूटिलाइज होते. तो इसीलिए ये कंसर्न्स थे, इसलिए बजट को प्रीपोन किया गया. तो बजट प्रीपोन से अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है. तो बजट पास करना मतलब दो बिल्स पास होते हैं, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा फाइनेंस बिल. तो अप्रोप्रिएशन बिल में सारे मिनिस्ट्रीज को अप्रोप्रिएशन किया जाता है, कितना अमाउंट हर मिनिस्ट्री सेक्टर को दिया जाएगा, स्कीम्स को दिया जाएगा, और फाइनेंस बिल में सारे प्रोविजंस होते हैं कि ये फाइनेंस कहाँ से आएगा. तो दोनों बिल्स एक्ट्स बनने चाहिए और इसके लिए दोनों हाउसेस पास करते हैं इसको, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो ये फाइनेंस एक्ट पास होने के लिए भी टाइम लगता है, तो जैसे लास्ट ईयर भी फाइनेंस एक्ट पास हुआ था मई में,
उसके बाद बजट पास होता है, उसके बाद ही फिर अलोकेशंस इजीली हो सकते हैं। हालांकि अलोकेशंस पहले से भी होते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है तो 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और जो प्रीवियस बजट में अलोकेशंस होते हैं मिनिस्ट्रीज को, स्कीम्स को, वो 31 मार्च के बाद लैप्स हो जाते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेश अलोकेशन की जरूरत होती है, और मिनिस्ट्रीज को यूटिलाइज करना होता है, मनी चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 2 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वोट ऑन अकाउंट होता है कि 1/6 ऑफ द अमाउंट जो बजट में एस्टिमेटेड है उतना उनको 2 महीने के लिए अलाउ किया जाए, इवन वाइल द बजट इज बीन पास्ड। तो ये ऑलरेडी फैसिलिटी है। तो हम अगर प्रीपोन करना चाहते हैं बजट को, तो इतना प्रीपोन होना चाहिए कि वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही ना हो। तो वो भी पॉइंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेचुरल गैस नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, ONGC। एनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कह रही है कि अब नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा, क्योंकि 2014 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने गैस प्राइसिंग पॉलिसी नई बनाई थी, जिसके हिसाब से जो गैस सरप्लस नेशन है जैसे USA, कनाडा, रशिया, उनके प्रिवेलेंट रेट्स को यूज किया गया था ताकि नेट इम्पोर्टिंग कंट्रीज के रेट्स डिसाइड किए जा सके। तो ये जो फॉर्मूला था उस वजह से अब जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो हाफ हो गए जो पहले थे उसके। तो इस वजह से जो गैस नेचुरल गैस प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, और जो प्राइस पे उनको सेल करना पड़ता है वो काफी कम है। तो इस वजह से वो लॉसेस में जा रहे हैं, और इस वजह से ONGC ने काफी बड़ा लॉस भी अभी इस बार किया है। तो ये ONGC इंडिया के सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, तो हमारा इम्पोर्ट नेचुरल गैस का भी काफी ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि नेचुरल गैस इम्पोर्ट कम हो, तो यहाँ पे डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अगर यहाँ पे प्राइसेस नहीं दिए जाएंगे तो ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होगा, तो वो और यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स। तो वो एक पॉइंट ONGC रख रही है, उनको 5,010 करोड़ का लॉस हुआ रेवेन्यू में नेचुरल गैस बिजनेस। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अब मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU बन गई है, ONGC अब मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU नहीं रही है। तो ये जो नेट प्रॉफिट्स लाए गए दोनों नेशंस, दोनों PSUs के जो नेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें से ये क्लियरली सामने आता है। तो ONGC का नेट प्रॉफिट जो है वो है यहाँ पे 17,900 करोड़, और IOC का 19,106 करोड़। हालांकि IOC इज इंडियाज बिगेस्ट कंपनी बाय टर्नओवर, तो टर्नओवर के हिसाब से हमेशा से वो बिगेस्ट थी, अब वो मोस्ट प्रॉफिटेबल भी बन गई है क्योंकि ONGC के प्रॉफिट्स कम हो गए। फिर अगला न्यूज आइटम है, अ जीन दैट स्टेव्स ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये है माइलो पटामस रीजन, यहाँ पे नॉर्थन क्रीट रीजन में। तो ये यूरोप में ग्रीस का पार्ट है, ये है क्रीट आइलैंड। तो ये एक आइसोलेटेड रीजन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जेनेटिक स्टडी की गई तो उसमें सामने आया कि एक जीन वेरिएंट है इस पॉपुलेशन में, और ये जीन वेरिएंट की वजह से इनको हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव जीन वेरिएंट है। तो ये यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। तो ये माइलोपोटामस जो पॉपुलेशन है इन ग्रीक विलेजेस में, क्रीट, नॉर्दर्न क्रीट में, वहां पे ये पाया जाता है। और यही जीन का और एक वेरियंट भी है जो US में जो एमिश फाउंडर पॉपुलेशन है उनमें पाया जाता है, वहां पे भी ये कहा जाता है कि इस जीन वेरिएंट की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स लेवल लो हो जाते हैं। तो इसके काफी पोटेंशियल बेनिफिट्स है इस जीन वेरिएंट के, वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, द लास्ट वन, सी थ्रू फ्रॉग इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये सी थ्रू फ्रॉग मतलब ये ट्रांसपेरेंट स्किन वाला फ्रॉग है जिसका हार्ट बीट भी विजिबल है, तो ये अब एक्सटिंक्शन हो सकता है इसका, क्योंकि ये अमेजोनियन लोलैंड इक्वेडोर में पाया जाता है, और इसका जो 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 ये इसका सर्वाइवल है वो स्ट्रीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रीम्स यूज करते हैं यहाँ पे, उसके अंदर वो अपने एग्स डालते हैं, तो अगर ये स्ट्रीम्स ड्राई अप हो जाएगी, पल्यूट हो जाएगी, तो ये फ्रॉग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट फ्रॉग है जिसके हार्ट बीट भी जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक स्पीशीज है, या नाम भले याद ना हो पर एटलीस्ट ये कहाँ डिस्कवर किया गया है, अमेजोनियन लोलैंड्स इन इक्वेडोर साउथ अमेरिका में। तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।